अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असमतुल्ला और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी AIOU। उम्मीद है तमाम शख्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तुलबा के लिए एक अपडेट आई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कोई सवाल है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपडेट बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है, क्योंकि अक्सर तालिबे इल्म इसके हवाले से पूछ रहे हैं। अपडेट जो है वो फ़ीस माफ़ी के हवाले से है कि अब अगर हम अपना एडमिशन करवाएँ तो क्या हमारी फ़ीस माफ़ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हालांकि मैंने आपको जब एडमिशन शुरू हुए थे उस वक्त मुकम्मल तरीका भी समझाया था, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि फ़ीस माफ़ी के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फ़ंड देती है हर इलाके दफ्तर वालों को, तो अगर आप लेट अप्लाई करते हैं तो फ़ंड जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई रीजन है, सरगोधा रीजन है या रावलपिंडी रीजन है, कोई भी रीजन है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से 5 लाख का फंड दिया जाता है। तो 5 लाख के फंड से ना वो ज़्यादा अपनी जेब से दे सकते हैं, ना 5 लाख से कम को आपको दरकार हो सकते हैं। यानी कि अगर एक बच्चा जाता है और वहाँ पर फंड अवेलेबल है तो वो उस फंड के तहत उसकी फ़ीस माफ़ कर देते हैं, और अगर कोई बच्चा लेट जाता है तो फंड ख़त्म हो जाता है, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो फिर फ़ीस माफ़ी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो अभी जितने भी तालिब इल्म हैं वो पूछ रहे हैं कि अब हम अपनी फ़ीस के लिए अप्लाई करें या ना करें। तो मशवरा हमारा हमेशा से यही होता है कि आप फ़ीस माफ़ी, क्योंकि फ्री होता है अप्लाई करना और इसमें आपकी जो फ़ीस है वो भी कम हो सकती है, तो आप अप्लाई कर दिया करें। बाकी अगर इलाके दफ्तर वाले आपको कहते हैं कि आप लेट हो चुके हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इस सेमेस्टर के अंदर आपकी फ़ीस माफ़ नहीं होगी, अगले सेमेस्टर के अंदर आप अपनी फ़ीस जो है उसमें कमी करवा सकते हैं। और अगर इलाके दफ्तर वाले आपको कम फीस पर चलान दे देते हैं तो फिर आप उसको पे कर दीजिएगा। तो आप अपने इलाके दफ्तर वालों से पहले रब्ता करेंगे, अगर उनके पास फ़ंड अवेलेबल है तो फिर आप अप्लाई कर दें, अगर उनके पास फ़ंड अवेलेबल नहीं है तो फिर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटी अपडेट थी लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट थी फ़ीस के हवाले से, तो मैंने सोचा इसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।